ये मेन स्क्रीन है, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऊपर से आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बटन शो हो रहे होंगे, ये बॉक्सेस शो हो रहे होंगे। इन बॉक्सेस में लिखा हुआ है इन्वेंट्री, एम्प्लॉय अकाउंट, सुपेयर अकाउंट, सेल पॉइंट, रिसीविंग, वाउचर एंट्री, कस्टमर क्रिएशन, कस्टमर स्टेटमेंट, एक्सपेंस कंट्रोल और अकाउंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं सॉफ्टवेयर के। इन मॉड्यूल्स के थ्रू क्या होता है कि आप किसी भी बिजनेस में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब कोई भी शॉपकीपर है, उसके बाद डिफरेंट टाइप की इन्वेंट्री होगी। मैं एक मेडिकल स्टोर की एग्जांपल आपको देता हूँ। मेडिकल स्टोर में मेडिसिन होती हैं, वो मेडिसिन बेसिकली इन्वेंट्री है। अब वो इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर के अंदर बनती है, सॉफ्टवेयर के अंदर पहले वो ऐड करते हैं। जब भी सेल करना है, सेल करने से पहले वो सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद फिर ये होता है कि उसका स्टॉक भी ऐड होता है, क्योंकि एक इन्वेंट्री आइटम ऐड करना एक अलग बात है और स्टॉक ऐड करना वो एक अलग बात है। इन्वेंट्री नॉर्मली आइटम ऐड होती है, और जब आप स्टॉक ऐड करना होता है तब आप वाउचर पास करते हैं। वाउचर पास करते हैं तो आपकी क्वांटिटी उसके अंदर ऐड हो जाती है। मैं ये चीज़ दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक आम शॉप है, मैं अब एग्जांपल आपको बेकरी की दे देता हूँ। अब बेकरी में एक प्रोडक्ट है, एक्स वाई जी कोई भी प्रोडक्ट है, उसको जब हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद हमें उसमें वाउचर पास करना पड़ता है उसकी क्वांटिटी ऐड करने के लिए। इन्वेंट्री अलग चीज़ होती है और वाउचर पास करना एक अलग चीज़ होती है। इसके बाद एम्प्लॉय अकाउंट है, मैं वन बाय वन आपको ये चीज़ें सारी ओपन भी करके बताऊंगा। इसके बाद एम्प्लॉय अकाउंट है, एम्प्लॉय अकाउंट से मुराद ये है कि जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो सॉफ्टवेयर में हो जाती है, ताकि कल को जब उनकी सैलरी वगैरह बनाने का टाइम आता है तो वो इसी मॉड्यूल से बनती है। इसके बाद है सुपेयर अकाउंट। सप्लायर अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे कोई भी दुकानदार, कोई भी शॉपकीपर परचेजिंग करता है जिस बंदे से। अब देखें, हम परचेज करते हैं शॉपकीपर से, अब शॉपकीपर भी कहीं से सामान लाता है, वो जहाँ से सामान लाता है वो सप्लायर कहलाता है, और उसका अकाउंट क्रिएट होता है। तो उसका अकाउंट क्यों क्रिएट होता है, ताकि उसका अकाउंट इसलिए क्रिएट होता है ताकि कल को जब वो उसको पेमेंट भी करनी है, उन्हें जब परचेजिंग करते हैं तो ज़ाहिर है उनको पेमेंट भी करनी है। तो सप्लायर अकाउंट में ये होता है कि मोस्टली जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बैलेंस पे चीज़ उठाते हैं, उधार पे चीज़ उठाते हैं, और सप्लायर अकाउंट के थ्रू जब परचेजिंग होती है, इन्वेंट्री में जब परचेजिंग होती है, इन्वेंट्री और वाउचर के अंदर परचेजिंग के बाद जो सप्लायर अकाउंट है, इस सप्लायर के अगेंस्ट एक अमाउंट जनरेट हो जाती है कि इस सप्लायर को हमने इतने पैसे देने। अब अगर हम ये कर दें कि सप्लायर अकाउंट अगर हम क्रिएट नहीं कर दें, तो फिर क्या होता है, फिर सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ मैनेज नहीं हो रही होती कि हमने सप्लायर को कितनी पेमेंट करनी है। इसलिए सप्लायर अकाउंट से ये होता है कि कंट्रोल होता है कि हमारा सप्लायर कौन है और उसको हमने कितनी पेमेंट करनी है और उसको हमने कितनी पेमेंट की है। ये सारी चीज़ें यहाँ सप्लायर अकाउंट से जनरेट होती हैं। इसके बाद है सेल पॉइंट। सेल पॉइंट में ये होता है कि जो नॉर्मली दुकानों के ऊपर कैश काउंटर के ऊपर जो स्क्रीन ओपन होती है उसको सेल पॉइंट कहते हैं। जो इन्वेंट्री है, एम्प्लॉय अकाउंट है, सप्लायर अकाउंट है, ये तीनों चीज़ें बैकएंड की हैं, एडमिन की हैं। जो सेल पॉइंट है वो जो कैश काउंटर है वहाँ पे इस्तेमाल होता है, वहाँ पे ये चीज़ ये वहाँ पे ओपन हुआ होता है। तो ये भी मैं आपको खोल के बताऊँगा इसमें होता क्या है। इसके बाद रिसीविंग है। रिसीविंग ये है कि जब आप एक आपका कस्टमर है, अब दुकानदार का एक कस्टमर है, उस कस्टमर ने ये करना है कि आपसे चीज़ परचेज़ करनी है। परचेज़ करने के बाद बाज़ुकात ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जिनको दुकानदार उधार पे माल देता है। जब उधार पे देगा तो जाहिर है उसको, वो अगर अपने हाथ से लेजर बनाएगा, अपने हाथ से कॉपी के ऊपर लिखेगा, तो फिर सॉफ्टवेयर का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। इस मकसद के लिए जब सेल पॉइंट से वो सेल करेगा तो फिर वो कस्टमर अटैच करेगा उसके साथ। जब कस्टमर अटैच होगा, उसके बाद जाहिर है उसकी जब बाद में पेमेंट्स आएंगी तो वो रिसीविंग के थ्रू पेमेंट्स रिसीव करेगा। जब पेमेंट रिसीव होगी तो प्रॉपरली उसके प्रिंट भी जनरेट होंगे कि ये पेमेंट जो है तो हमें रिसीव हो चुकी है, और उसकी प्रॉपर एक लेजर बनती है, जिस तरह कॉपी के पेपर बनाते हैं कि फलां कस्टमर है, इसको फलां डेट को फलां आइटम मैंने दिया, इस तरह से प्रॉपर एक लेजर बनती है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। इसके बाद वाउचर एंट्री है। वाउचर एंट्री मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये इन्वेंट्री के साथ की चीज़ है कि इन्वेंट्री में आइटम क्रिएट होती है और वाउचर एंट्री से आपकी क्वान्टिटी ऐड होती है कि इतनी आइटम, इतनी क्वान्टिटी हम मज़ीद सामान लेके आए हैं। सामान से एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक पेप्सी की बॉटल्स हैं, एक इन्वेंट्री में हमने पेप्सी की बॉटल्स क्रिएट की। अब वो हमने सिर्फ क्रिएट की, वाउचर के थ्रू हमने ये कहा कि हमने 50 पेप्सी की बॉटल्स अभी जो सप्लायर है वहाँ से ले, उससे लेके आए हम। जब वो लेके आएंगे तो वाउचर के अंदर ऐड कर देंगे कि ये 50 इन्वेंट्री की इसकी
पेप्सी की बॉटल्स हमने अपने स्टॉक में ऐड कर दी हैं, फिर वो जो 50 क्वांटिटी आपने ऐड की है वहाँ से माइनस होती रहेगी जब आपके पास वो कस्टमर आएगा सेल पॉइंट से, जो जो कस्टमर आपके पास आते जाएंगे और जो जो बॉटल्स वो आपसे परचेज करते जाएंगे ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री से वो माइनस होती रहती है। इसके बाद कस्टमर क्रिएशन है। कस्टमर क्रिएशन में ये है कि जब कोई कस्टमर ऐसा जिसके साथ आप उधार करते हैं तो उस कस्टमर को पहले क्रिएट करना पड़ता है कि कस्टमर का नाम ये है, इसका एड्रेस ये है, इसका फ़ोन नंबर ये है और ये फ्लावर रूट से है, ये सारी चीज़ें आप उसको सेव कर रहते हैं ताकि कल को जब आप सेल पॉइंट से उसकी एंट्री करेंगे तो आपके लिए आसानी हो, आपको वहाँ पर क्रिएट करने के बजाय यहाँ से सेपरेटली आप इसमें क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद है कस्टमर स्टेटमेंट। कस्टमर स्टेटमेंट है बेसिकली कस्टमर लेजर का ही दूसरा नाम है। कस्टमर स्टेटमेंट और लेजर एक ही चीज़ होती है। इसमें ये होता है कि जितने भी उस कस्टमर को आपने सेल्स किए, जितनी भी आपने उसको परचेजिंग कस्टमर ने आपसे की है, वो सारी डिटेल आप कस्टमर स्टेटमेंट से आप निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद है एक्सपेंस कंट्रोल। एक्सपेंस कंट्रोल में ये होता है कि रोज़ के जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो छोटा खर्चा है चाहे बड़ा खर्चा है दुकान के अंदर का, चाहे कोई एक शॉपकीपर है वो अपने कोई कमेटी डालता है, वो एक्सपेंस कंट्रोल के अंदर एक कमेटी का हेड बना देता है, फिर उसमें वो अमाउंट डालता है कि भाई फलां डेट को मैंने इतनी कमेटी दी है, फलां को इतनी दी है, फलां को इतनी दी है। उसके अलावा वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अकाउंट्स बना देता है इसके अंदर, और फिर जब जब उनको पेमेंट करता है 100 रुपये, 50 रुपये, 1000, 1500, 2000, 5000 जितनी उनको पेमेंट करता है वो सारा एक्सपेंस कंट्रोल के उसके हेड के अंदर डाल देता है, और जब मंथ एंड के ऊपर रिपोर्ट उसको निकालनी होती है या फिर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकालनी होती है वहाँ पे उसको सेपरेटली शो हो रही होती है कि इतनी मेरे खर्चे हुए हैं या फिर स्पेसिफिक पर्संस को मैंने इतना पेमेंट्स की हुई हैं। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। अकाउंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये इसको कहते हैं कि जब शुरू में सॉफ्टवेयर लगता है किसी भी दुकान पर तो वो सबसे पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग डालते हैं, क्लोजिंग सिर्फ ओपनिंग डालते हैं। ओपनिंग डालने का मकसद ये होता है कि इस वक्त आपके पास कितने पैसे पड़े हैं सॉफ्टवेयर को पहले अब ये बताते हैं कि भाई करंटली मेरे पास इतनी अमाउंट पड़ी है, मैं अभी से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। सपोज करें आज से उसने सॉफ्टवेयर लगाया और अभी उसके पास उसके गले में अमाउंट पड़ी है 5000 रुपया, तो अकाउंट ओपनिंग में 5000 रुपये डाल देगा। फिर क्या होता है कि कैरी फॉरवर्ड होता है, ये ऑटोमेटिकली जब शाम होगी, शाम के टाइम वो शॉप बंद करेगा तो सॉफ्टवेयर इसे पूछेगा कि भाई क्लोजिंग अमाउंट डालो। क्लोजिंग अमाउंट दिन में उसने 1 लाख रुपये की सेल की है, अब क्लोजिंग अमाउंट जाहिर है 1,05,000 रुपये बन गई है। अब उसने दरमियान में खर्चे भी किए होंगे, सपोज करें खर्चे उसने 10,000 रुपये किए तो पीछे 95,000 रह गया। आप सॉफ्टवेयर को बता देंगे कि 95,000 इस वक्त मेरे पास पड़े हैं, फिर सॉफ्टवेयर खुद से कैलकुलेट करेगा कि आपने दिन को कितनी सेल की है। खुद सॉफ्टवेयर अपने तौर पे उसको कैलकुलेट करके बताएगा, एक रिपोर्ट निकाल के देगा कि भाई आपने जो अमाउंट डाली है वो ठीक डाली है या गलत डाली है। अब सॉफ्टवेयर खुद से कैलकुलेट करेगा कि दिन में आपने सेल कितनी की है, आपने एक्सपेंसेस कितने किए, उसके बाद आपने पेमेंट्स कितनी की हैं किसी सप्लायर को, फिर उसके बाद जो आपकी अमाउंट है वो सपोज करें 90,000 बचती है तो आपने 95,000 क्लोजिंग के अंदर डाली है, तो इसका मतलब ये होता है कि 5,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के अंदर डाला है। उसका मतलब है कि या तो फिर कहीं पे कोई एंट्री ऐसी हुई है जो सॉफ्टवेयर को बताई नहीं गई है या फिर कोई दरमियान में कोई आगे पीछे हुई है अमाउंट। ये सारी चीज़ें कंप्लीट मॉड्यूल्स हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। अब मैं वन बाय वन आपको मॉड्यूल्स का इंट्रो कराता हूँ, इन्वेंट्री में जाता हूँ, इन्वेंट्री ओपन करता हूँ। मैंने इन्वेंट्री पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन हो गई। ये स्क्रीन में देखें सबसे पहले आइटम कोड लिखा हुआ है। आइटम कोड में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी एक पेप्सी की बॉटल है, पेप्सी की बॉटल के ऊपर एक बार होती है जैसे बार कोड जिसको कहते हैं, उस बार कोड के नीचे एक नंबर भी लिखा होता है। नॉर्मली जब आप बारकोड स्कैनर से स्कैन करते हैं तो जो बारकोड के नीचे नंबर लिखा होता है वो आपका स्कैन होके आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आता है। जो लाइनें हैं, लाइनें बेसिकली स्कैन होती हैं बारकोड स्कैनर के थ्रू, और बारकोड लाइनों के नीचे एक नंबर लिखा होता है, वही नंबर उठ के यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। जैसे सपोज करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये सिस्टम है कि अगर आप चाहें तो बारकोड रखें, आप चाहें तो बारकोड ना रखें। अब ये बात कैसे होती है, जब आप बड़े स्टोर की बात करें जैसे ग्रॉसरी स्टोर है या फिर बेकर्स हैं, उनमें ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनके पर बारकोड होता है, जैसे आपकी पेप्सी है, पेप्सी के पर बारकोड होता है। अब जैसे आपकी आइटम है शुगर है, अब शुगर चूंके आती है बैग्स के अंदर,
उनके ऊपर तो बार कोड होता नहीं है। अब एक कस्टमर आएगा, वो कहेगा मुझे 5 किलो चाहिए, मुझे 10 किलो चाहिए, मुझे 2 किलो चाहिए। अब वो कस्टमर जो शॉपकीपर है वो उसको उसका वेट करेगा, वेट करने के बाद उसको दे देगा। अब चूंकि शुगर का कोई बार कोड नहीं है, इसलिए खुद से ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है बार कोड। अब सॉफ्टवेयर खुद से जब बार कोड क्रिएट करेगा तो वो इस तरह से होता है कि शिफ्ट आप सिंपल कीबोर्ड से F1 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखें आपके सामने आइटम कोड आ गया है। आइटम कोड में लिखा हुआ आ गया 214। 214 एक ऑटो बार कोड जनरेट हो गया है। मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी आइटम का नाम इतना मैं माउस लिख लेता हूँ, माउस डेल, ये मैंने लिखा और मैंने इंटर प्रेस किया। अब कंपनी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सप्लायर है। सप्लायर कौन? जिससे सामान हमने खरीदा है। अब अगर आप मजीद को सप्लायर क्रिएट करने जाते हैं, ये डिफ़ॉल्ट ही आपके पास सप्लायर होते हैं। अब आप मजीद सप्लायर क्रिएट करने जाते हैं, ये प्लस का आइकन होता है, यहाँ से आप मजीद सप्लायर क्रिएट कर देते हैं। इसमें कंपनी का नाम, सप्लायर का नाम, कंपनी नंबर, सप्लायर नंबर, फुल एड्रेस और प्रीवियस बैलेंस यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको आप सेव कर देते हैं। जब सेव करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये सप्लायर आ जाता है। सपोज करें मैं एक नील सप्लायर है, इस नील सप्लायर को जो ही मैंने सेलेक्ट किया तो इसके नीचे देखें आइटम नेम, बारकोड, क्वांटिटी, कॉस्ट सब कुछ यहाँ पे आ गया है। ये कैसे है कि इस कंपनी की इससे पहले प्रोडक्ट हमारे पास इतनी ऐड है। अगर मैं कोई और करता हूँ, यूनिलीवर करता हूँ, तो इसकी देखें हमारे पास इतनी प्रोडक्ट्स ऐड है। मैं अगर करता हूँ वर्क गैस तो इसकी हमारे पास इतनी प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह से कैटेगरी है, कॉस्ट प्राइस है। कैटेगरी में हमारे पास HPC, फूड, वर्क गैस, ओपनिंग, इसके अलावा कोई भी कैटेगरी आप बना सकते हैं। फिर उसके अलावा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं ये हमें कितने की पड़ी है। सपोज करें मोस्टल हमें पड़ा जी 300 रुपये का एक, और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन दो हैं, एक होल सेल प्राइस है, एक रिटेल प्राइस है। होल सेल प्राइस वो है जो आप दुकानदारों को देते हैं, होल सेल पर सेल करते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं। अब मैं होल सेल पर करता हूँ जी 350 रुपये की। इसके बाद देखें प्रॉफिट का एक बॉक्स लिखा हुआ है। प्रॉफिट में क्या हुआ? 17% प्रॉफिट हुआ। अब इन केस पे बंदा ये कहता है कि मुझे 350 रुपये नहीं लिखना बल्कि मुझे इस प्रोडक्ट से मुझे 15% प्रॉफिट चाहिए होल सेल पर और 20% प्रॉफिट चाहिए रिटेल में। तो यहाँ पे वो 15 लिखेगा तो 345 रुपये होल सेल प्राइस हो गई, ये देखें। अब उसके बाद रिटेल प्राइस में मैं कुछ भी लिखता, मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ 20% मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो देखें 360 रुपये रिटेल प्राइस आ गई है, ठीक है, 20% प्रॉफिट के साथ। इसके बाद ओपनिंग क्वांटिटी है कि इस वक्त आपके पास कितना एक सामान पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी पड़ी है। मैं 500 लिख के इसको इंटर करता हूँ, सेव करता हूँ। ये हमारी क्वांटिटी ऐड होगी, हमारी इन्वेंट्री ऐड होगी। डिफॉल्ट ओपनिंग क्वांटिटी भी ऐड होगी लेकिन इन्वेंट्री ऐड होगी। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल है एम्प्लॉय अकाउंट का। एम्प्लॉय अकाउंट से आप एम्प्लॉयज़ क्रिएट करते हैं। नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गई, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस, CNIC। उसके बाद मंथली सैलरी यहाँ पे कर देते हैं और सेल लिमिट आप यहाँ पे डाल देते हैं। जब सेल लिमिट डालेंगे तो फिर आप कमीशन भी डालते हैं। सपोज करें सेल लिमिट आप डालते हैं 1,00,000 रुपया, उसके बाद कमीशन कहते हैं जी 2% इसको कमीशन देंगे हम 1,00,000 रुपये के ऊपर। कुछ शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहते हैं कि आप अपनी हमारी सेल इंक्रीज़ करें और आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन लें। तो ये उन लोगों के लिए है कि अब वो यहाँ पर सेल लिमिट डाल देते हैं और साथ में यहाँ पर कमीशन डाल देते हैं कि भाई इतना कमीशन हमने आपको देना है। इसके अलावा सप्लायर अकाउंट है। सप्लायर अकाउंट में ये होता है कि जिससे आपने सामान खरीदा है, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, यहाँ से कंपनी नेम, सप्लायर नेम, कंपनी नंबर, सप्लायर नंबर, फुल एड्रेस और प्रीवियस बैलेंस लिख के आप वहाँ पे सेव कर देते हैं। तो फिर ये आपका सप्लायर का एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। नीचे देखें यहाँ पर जैसे यूनिलीवर है, इसका कंपनी नंबर भी आ रहा है, सप्लायर नंबर भी आ रहा है और इसका बैलेंस -1 आ रहा है। बैलेंस -1 का मतलब ये है कि इससे जो हमने परचेजिंग की है, परचेजिंग करने के बाद हमने उसको पेमेंट इतनी कर दी है कि हमने 1 रुपये उसको एक्स्ट्रा भी दे दिया, तो ये इसलिए -1 आ रहा है। इस तरह से ये ऊपर है 75,480 रुपीज़, ये इस सप्लायर को हमने पे करना है। इस तरह से नीचे अमाउंट है जो हमने सप्लायर को पे करना है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है आपके वाउचर पास करते हैं, जब ये वाउचर इन पे करते हैं। अब मैं जाता हूँ सेल पॉइंट पे। सेल पॉइंट के ऊपर ये है कि ये हमारे पास स्क्रीन है सेल पॉइंट की। अच्छा, हमारे पास जो ये टाइमिंग है मीटिंग की, ये सिर्फ 10 मिनट रह गए। अगर मीटिंग बंद होती है हमारी, अगर जो अभी जो हम मीटिंग कर रहे हैं, अगर इसमें अगर ये कंप्लीट नहीं होती तो आप सब लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है इसके साथ। अब हमारा ये सेल पॉइंट है, ये वो सेल पॉइंट है जो नॉर्मली कैश काउंटर पर शो हो रहा होता है। कैश काउंटर्स के ऊपर ये स्क्रीन आ रही होती है।
अब देखें इस यहाँ से सेल होती कैसे है। सिंपली हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर आप अगर आप कैश सेल कर रहे हैं तो इधर कैश सेल को आप टिक कर देंगे, राइट साइड पे देखें कैश सेल लिखा है इसको आप टिक कर देंगे और F1 प्रेस करेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्कैन योर आइटम के अंदर एक कर्सर आ गया। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ बार कोड, यानी कि स्कैन करता हूँ बार कोड, तो फिर भी यहाँ पे स्कैन हो जाती है और आइटम आपकी ऐड हो जाती है। अगर मेरे पास ऐसी आइटम है जिसका बार कोड नहीं है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली उस आइटम का नाम लिखूंगा। सपोज करता हूँ मैं किसी आइटम का नाम लिखता हूँ, ये केचप कोई आइटम है, ठीक है। अब इस पर मैंने के लिखा तो ये नीचे केचप आ गया। अब मैं डाउन की प्रेस करके मैं इसके ऊपर आया, आइटम के ऊपर आया और इधर मैंने आके इंटर प्रेस किया, 174 इसका बार कोड है। मैं दोबारा इंटर प्रेस करता हूँ, ये आइटम नीचे आ गई है। अब देखें राइट साइड पे टॉप के ऊपर 92 अमाउंट आ रही है। 92 अमाउंट का मतलब ये है कि जो मैं अमाउंट, जो आइटम मैंने अभी ऐड की है, इसकी जो अमाउंट बन रही है जो कस्टमर से मैंने लेनी है वो 92 रुपये है। अब मैं F3 प्रेस करता हूँ, F3 प्रेस करने से क्वांटिटी चेंज का ऑप्शन आता है। मैं कहता हूँ 15 क्वांटिटी, कस्टमर हमें कहता है 15 क्वांटिटी मुझे चाहिए, 15 लिख के जो ही इंटर करते हैं देखें ऊपर 1380 रुपये का उसका बिल बन गया है। मज़ीद कोई आइटम ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बार कोड को लिख लेता हूँ 175, नहीं है 173 लिखा तो ये देखें आपकी आइटम एक ऐड हो गई है, लिप्टन OOH समथिंग। फिर उसके बाद F3 प्रेस किया, ये कस्टमर कह रहा है जी मुझे 20 क्वांटिटी दें, तो देखें 11,080 रुपये उसका बिल बन गया। अब कस्टमर से वो क्या कहता है, डिमांड करता है भाई आप हमें, मुझे 11,080 रुपये आपको बिल बना है। कस्टमर कहता है जी ठीक है जी मेरा 11,080 रुपये बिल बना है, ये ले 12,000 रुपया। कस्टमर ज़ाहिर है 11,080 तो नहीं देगा, वो 12,000 देता है सपोज करते हैं। F2 प्रेस करते हैं, इंटर करते हैं, फिर इंटर करते हैं, यहाँ पर वो 12,000 रुपये लिखते हैं हम। ये हमने 12,000 लिखा, ये देखें राइट साइड पर 9,920 आ गया। 920 का मतलब ये है कि ये 920 रुपीज़ हमने कस्टमर को वापस करना है, शॉपकीपर ने कस्टमर को वापस करना है। अब शॉपकीपर से वो वापस करेगा, फिर यहाँ से इंटर प्रेस करेगा, फिर इंटर करेगा, फिर इंटर करेगा, तो क्या होता है कि प्रिंटर से एक प्रिंट बाहर आ जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी ये आइटम है। और ये देखें जैसे ये प्रिंट आ गया, इस प्रिंट के ऊपर ये जो ऊपर आ रहा है आपको लोगो सा, यहाँ पर उस दुकानदार का लोगो लगता है जो सॉफ्टवेयर हमसे परचेज करता है। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर आता है। इसके बाद ये नीचे देखें कैश सेल लिखा हुआ है। कैश सेल का मतलब ये है कि ये कैश के ऊपर ये हमारी सेल हुई है, किसी कस्टमर से हमने नहीं किया है। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट डेट भी आ रही है, प्रिंट टाइम भी आ रहा है, रिसिप्ट नंबर आ रहा है। रिसिप्ट नंबर ये मतलब है कि बिल नंबर ये है, कैशियर का नाम जिस कैशियर ने सेल की है ये। फिर इसके बाद ये आपकी सारी आइटमें आ गई हैं जो जो आइटमें खरीदी हैं उसने, 20 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी, 485 रेट है, 92 रेट है, ये अमाउंट टोटल बन गई है। फिर इसके नीचे सब टोटल आ गया है, फिर रिसीव्ड अमाउंट कितनी हुई है, हमने वापस कितना दिया है। ये फिर 3 इंच का बिल होता है, ये दो तरह के प्रिंट होते हैं, A4 साइज का प्रिंट होता है और एक 3 इंच का प्रिंट होता है। ये जो प्रिंट है ये 3 इंच का होता है, छोटा सा प्रिंटर लगा होता है कैश काउंटर के ऊपर और 3 इंच प्रिंटर से ये प्रिंट निकलता है और कस्टमर को दे देते हैं और साथ में उसके अमाउंट देते हैं। इसके अलावा ये होता है कि जो ही प्रिंट के ऊपर क्लिक किया जाता है, प्रिंट के ऊपर क्लिक करने से ऑटोमेटिकली टिल भी ओपन होती है। ये हमारा आ गया सेल पॉइंट। इस सेल पॉइंट के अंदर हम ऑप्शन क्या दे रहे हैं, स्टोर मास्टर हम ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे बिल होल्ड भी हो सकता है, ये भी चीज़ ज़हन में रखिएगा। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काइंडली कोशिश करें पॉइंट बना के आप अपने पास नोट भी कर लें। इसके बाद देखें स्टोर मास्टर है, स्टोर मास्टर से ये होता है कि आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे पास मेरे स्टॉक के अंदर इस वक्त टोटल कितनी अमाउंट का सामान पड़ा है या फिर मेरे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट कितनी पड़ी है। मैं स्टोर मास्टर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें हमारे पास 3 कैटेगरी आ रही हैं जो मैं आपको इन्वेंट्री के इन्वेंट्री करते वक्त मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये वही प्रोडक्ट्स आ रही हैं। सपोज करें जी मैं वॉक गैस पर क्लिक करता हूँ और ये लिखा हुआ ब्रांड वाइज रिपोर्ट, ब्रांड वाइज रिपोर्ट पर क्लिक किया, ये देखें वॉक गैस हमारे पास आ गई। इसके बाद मैं जब यहाँ से एंड पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ गया कि टोटल हमारे पास इतनी अमाउंट का स्टॉक पड़ा है, ठीक है, ये जो हाईलाइट हो रही है ये अमाउंट हो रही है। इसके बाद यहाँ पे देखें ये ऊपर आ रहा है स्टॉक क्वांटिटी, कॉस्ट, सेल, स्टॉक वैल्यू, सेल वैल्यू। स्टॉक क्वांटिटी का मतलब ये है कि इस वक्त हमारे पास इतना सामान पड़ा है कि इसकी कीमतें खरीद ये है, सेल ये है, इसकी स्टॉक वैल्यू ये है और सेल वैल्यू ये है, यानी कि कीमतें खरीद ये है और सेल इतने की होगी। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर होती है, ये नीचे सारी अमाउंट शो हो रही होती है।
इसके बाद ये रिसीविंग है, रिसीविंग से कस्टमर की पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे देखें ये डिफरेंट कस्टमर्स हैं जिनने इतनी इतनी पेमेंट पे करनी है, ठीक है। और मैंने बात की थी लेजर की, मैं यहाँ किसी एक कस्टमर का लेजर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये सपोज करें ये कस्टमर है और मैं इसकी व्यू लेजर पे क्लिक करता हूँ, ये इसकी कंप्लीट लेजर ओपन हो गई, जिसने क्रेडिट नोट इतना बनाया, पेमेंट्स इसने इतनी की है और करंटली इसका बैलेंस इतना है, ये कंप्लीट इसकी लेजर ओपन है। ये सेल इनवॉइस है सारी, सेल इनवॉइस में उसका बिल नंबर आ रहा है, डेट आ रही है, उसके बाद उसकी टोटल अमाउंट आ रही है जो उसने क्रेडिट की है। फिर इस तरह से पेमेंट्स हैं, 7 जनवरी को उसने पेमेंट की है, कैश रिसिप्ट बनी है 358 नंबर उसकी रिसिप्ट की। अब ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी पीछे लिंक हैं आपकी डेटाबेस के साथ, ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, पूरी एक लेजर बनी हुई है। लेजर आपके सामने जो ही कोई कस्टमर डिमांड करता है लेजर को, वो तो वन क्लिक करता है तो लेजर प्रिंट हो जाती है। इस तरह से व्यू इनवॉइसेस हैं, पिछले कोई बिल निकालने हैं व्यू इनवॉइसेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आज जो हमने बिल बनाया इसके 2 ऑप्शन है, 3 इंच के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं, A4 साइज पे भी प्रिंट कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक किया तो A4 साइज पे प्रिंट हो गया, A4 साइज पे कंप्लीट डिटेल आ गई कि ये बिल था, इसकी इतनी इतनी अमाउंट थी, ये प्रोडक्ट थी इसके अंदर। इस तरह से 3 इंच पे क्लिक करेंगे तो 3 इंच का प्रिंट शो हो जाएगा यहाँ पे। नॉर्मली वो 3 इंच का अप्लाई होता है, ये जैसे राइट साइड पे देखें 3 इंच प्रिंटिंग पे क्लिक हुआ हुआ है। अगर 3 इंच प्रिंटिंग पे मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो फिर A4 साइज से प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है होलसेल और रिटेल, होलसेल और रिटेल से मुराद ये है कि अगर आप सिर्फ होलसेल पे बिल बनाना चाहते हैं तो होलसेल को टिक कर दें, अगर आप रिटेल पे बिल बनाना चाहते हैं तो रिटेल पे क्लिक कर दें। इस तरह से कोटेशन है, कैश सेल है और लास्ट वेट है। लास्ट वेट इसमें हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर में एक बिल्कुल एक डिफरेंट ऑप्शन है बाकी तमाम सॉफ्टवेयर से, जो बाकी जितने भी मार्केट के अंदर चल रहे हैं उनसे। अगर एक पर्सन है, सपोज करें वसीम एक पर्सन है और जो किसी शॉप पे गया और उसे एक सामान उठाया, पेप्सी उठाई है या फिर लिप्टन उठाई है, फर्स्ट टाइम उसने उठाई है जी 500 रुपये की, सेकेंड टाइम हो गया तो उसने उठाई है जी 350 रुपये की, थर्ड टाइम हो गया तो उसने उठाई है जी 320 रुपये की। अब हमारे पास ये ऑप्शन है सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप कल को, मैं फिर कल को सपोज करें 1 महीने के बाद मैं दोबारा उसी शॉप पे जाता हूँ और उसको जाके मैं कहता हूँ कि लास्ट टाइम मैं आपसे लेके गया था 200 रुपये की, तो सिंपल वो क्लिक करेगा, लास्ट डेट के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पे मेरा नाम डालेगा और दोबारा से मेरी वही आइटम ऐड करेगा। जो ही मेरी वो आइटम ऐड करेगा, ये राइट साइड पर हमारे पास ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है इनवाइस नंबर, डेट, क्वान्टिटी, रेट और डिस्काउंट, यहाँ पे शो हो जाएगा मैंने किस किस डेट को ये आइटम ली है और कितने रुपए की ली है, ये भी प्रॉपर एक यहाँ पे जनरेट हो रहा होता है। इसके बाद राइट साइड पे देखें पीएफ नंबर लिखा हुआ है, इस पीएफ नंबर का मतलब ये है कि बिल बनाने के दौरान आप अगर आप देखना चाहते हैं मुझे इस बिल से कितना प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखें नीचे होल्ड बिल्स का ऑप्शन है, होल्ड बिल्स में ये होता है कि जितने भी बिल बना रहे हैं कस्टमर है जो काउंटर पर आ गया और उसने सारी आइटमें दे दी हैं, जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे आप एक ट्रॉली के अंदर सामान लेके आए और उसके ऊपर आप काउंटर पे आके खड़े हो गए और आपने सारा बिल बनवा दिया, जब बिल बनवा दिया तो आपको याद आई कि भाई फलां चीज़ भी मुझे लेनी है, अब आपने वहाँ पे सारी आइटमें छोड़ दी और आप चले गए उधर। इस दौरान बाकी जो कस्टमर हैं जाहिर है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उनको छोड़ के फिर उनका बिल बनाना शुरू कर देगा, सिंपल F1 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बिल हमने बना दिया था वो होल्ड हो जाता है, कि ताकि जब भी वो वापस आएगा पर्सन तो वन क्लिक करेंगे हम होल्ड बिल के ऊपर तो ऑटोमेटिकली उसका बिल हमारे सामने आ जाएगा और सिर्फ वही आइटम ऐड करेंगे जो आइटम वो लेने गया था, वो भी उसके बिल के अंदर ऐड हो जाती है। इस तरह से राइट साइड पे देखें अकाउंट नंबर आ रहा है 206, बिल नंबर आ रहा है 742, डेट आ रही है और टाइम आ रही है, ये डेट और टाइम लास्ट बिल जो हमारा निकला है उसका आएगा, तो जो ही आपका अगला बिल बनाएंगे तो वो डेट तो सेम रहेगी, टाइम डिफरेंट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास लोड शीट और कैश बुक का ऑप्शन है, कैश बुक में ये होता है कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो सेल है, अब मैं जाता हूँ जुलाई के, ये हमारे पास में कोई डेट और ये कोई हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसकी हम कैश बुक निकालते हैं, कैश बुक के ऊपर मैंने शो रिपोर्ट पे क्लिक किया, ये हमारी कैश बुक निकल आई है। इस कैश बुक के ऊपर कंप्लीट डिटेल शो होती है रोज़ की, अब शाम के टाइम ये देखते हैं कि आज जो मैंने बिल बनाए हैं वो इतने रुपए के बनाए हैं, जो मैंने डिस्काउंट